मंगलवार को विकास भवन में मृतक होमगार्ड आश्रित आर्थिक सहायता बीमा राशि वितरण का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मंत्री कारागार एवं होमगार्ड धर्मवीर प्रजापति ने मृतक होमगार्ड राकेश सिंह के परिवार को 30 लाख रुपए के रूप में बीमा राशि की सहायता दी और मंत्री ने अधिकारी को मृतक होमगार्ड के बेटे को जल्दी नौकरी देने का आदेश दिया। खंदौली क्षेत्र में शेमरा का रहने वाला था। ड्यूटी के दौरान आकस्मिक घटना में वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग उस परिवार की तो भरपाई पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी संवेदना उस परिवार के साथ हैं। और अगर हम 17 से पहले की अगर हम बात करें तो होमगार्ड विभाग में अनुग्रह राशि जो दी जाती थी वो बीमा के माध्यम से दी जाती थी और हमारा होमगार्ड का जवान परिवार उसका सालों चक्कर लगाता था और कभी कभी पूरी राशि मिल भी नहीं पाती थी, बहुत आधी अधूरी मिलती थी। लेकिन जैसे ही 17 में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तुरंत उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने कई ऐतिहासिक होमगार्ड विभाग के लिए निर्णय लिए। उसमें एक ये निर्णय भी था कि हमारा पहले की अगर सरकारों की बात करें तो 17 से पहले होमगार्ड का जवान ड्यूटी के दौरान अगर दुर्घटना होती थी ड्यूटी के समय तब वो राशि बीमा के माध्यम से मिलती थी। लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने तुरंत तय किया कि हमारा होमगार्ड का जवान जिस दिन से ड्यूटी करेगा और रिटायर होगा उस पीरियड में कहीं भी अगर वो रहता है, चाहे वो घर पे है चाहे वो ड्यूटी पे है, आता है अगर ड्यूटी में जाता है, कहीं भी ऐसी तरह की कोई अगर दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की सरकार की अनुग्रह राशि सीधे उसके खाते में जाएगी। उसके बाद ये 22 में सरकार बनी तो हमें लगा कि कुछ और करने की ज़रूरत है, तो हमने बैंकों से बातचीत की, कई बैंकों को हमने बुलाया जिसमें HDFC बैंक बहुत बड़ी भूमिका हमारी निभा रही है। हमने उनके साथ बातचीत की और इस तरह की घटनाओं के लिए मैं उनसे चर्चा की तो हमारा होमगार्ड का जवान केवल अपना खाता खोलेगा और दैनिक भत्ता है उसमें लेगा, 1 रुपया उसका हमारे होमगार्ड जवान का कटना नहीं है। और अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की राशि सरकार की और 30 लाख रुपए की राशि बैंक। अगर हमारा होमगार्ड का जवान कार्ड का इस्तेमाल करता है तो फिर वही राशि 30 लाख से बढ़कर के 35 और 40 तक बैंक देती हैं। तो कम से कम उस परिवार के उस व्यक्ति की भरपाई हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन 35 लाख 40 लाख रुपए उस परिवार को जब मिल जाते हैं तो हम लोगों को थोड़ी आत्मसंतुष्टि होती है कि कहीं उन वो राशि से उस परिवार के बच्चों का भविष्य बन सकता है, उज्जवल हो सकता है। और हम अगर उस परिवार में कोई बच्चा योग्य है और होमगार्ड के लायक है तो हम उसे नौकरी भी देते हैं। इसके लिए भी हमने अपने अधिकारियों से आज कहा है उनका बच्चा इस योग्य है तो जल्दी नियुक्त हो गया, तो इसकी नियुक्ति भी हो गई है और जल्दी ही हम इसे ट्रेनिंग करा करके इसे ड्यूटी भी दे देंगे। अभी 4 यहाँ आने से पहले 4 जवानों को हमने लखनऊ में दिया है। 4 जवानों में से 2 जो हमारे होमगार्ड के जवानों के बच्चे योग्य थे और उनको उसी दिन फर्स्ट ड्यूटी की जॉइनिंग भी हमने दी है, जॉइनिंग लेटर दिया है। इस तरह से अपने होमगार्ड जवानों की विशेष चिंता सरकार हमारी कर रही है। कई हमारे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं, जैसे 45 दिन की ट्रेनिंग थी वो 90 दिन की हमने की है। दैनिक भत्ता उनका ट्रेनिंग के दौरान 260 रुपये था, उसको बढ़ा करके हमने दैनिक भत्ते के बराबर किया है। वर्दी भत्ता उनका सीधा खाते में जाता है। ऐसे तमाम मूल चूल परिवर्तन हुए हैं हमारे होमगार्ड के जवानों को। एक और माननीय मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय किया है, पहले 30 रुपये मिलते थे अंतर जनपदीय, उसको बढ़ा करके 4 गुना 120 रुपये कर दिया है। तो एक निरंतर प्रयास हमारा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच, हमारे होमगार्ड जवानों के प्रति जो भी हो सकता है, क्योंकि हमारा होमगार्ड का जवान
सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, निरंतर अपनी ड्यूटी में सक्रिय रहता है। और सरकार बनने के बाद 22 में हमने कई सामाजिक कार्यों से भी हमने होमगार्ड विभाग को जोड़ा है। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।